हेलो एवरीबॉडी, क्लास 9 की वर्कशीट आ गई है बेटा। वर्कशीट नंबर 34 और इंग्लिश की वर्कशीट है, तो वी सपोज टू डू इट इन द इंग्लिश नोटबुक। चले शुरू करते हैं। चैप्टर है द लिटिल गर्ल। द लिटिल गर्ल इज़ द स्टोरी अबाउट केजिया हु इज़ अफ्रेड ऑफ अ स्ट्रिक्ट फादर। वो काफ़ी डरती है, अफ्रेड मतलब डरती है, स्ट्रिक्ट मतलब उसके फादर काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। सो शी स्टैमर्ड, वो हकराने लगती है वाइल टॉकिंग टू हिम, जब वो उससे बात करती है। शी थॉट हिम टू बी अ जाइंट साइज्ड, वो सोचती है उसके पिताजी बहुत बड़े हैं, बहुत ज़्यादा बड़े साइज के। जाइंट होता है राक्षस, राक्षस जितने साइज के हैं। ऑन संडे को ग्रैंड मा सेंट हर टू स्पेंड टाइम विद पेरेंट्स। संडे को उसकी दादी बोलती हैं, नानी या दादी जो भी हैं, ग्रैंड माँ बोलती हैं कि वो अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करे। बट शी फाउंड हर फादर लाइंग डाउन ऑन द सोफ़ा टू रिलैक्स। वो पाती है कि उसके पिताजी सोफे पर लेटे हुए हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। मदर बिजी रीडिंग, और उसकी मदर क्या है, वो बिजी हैं रीडिंग करने में, उसकी मदर पढ़ रही होती हैं। वन डे, एक दिन, व्हेन शी वॉज एट होम, जब वो घर पर थी, बिकॉज ऑफ कोल्ड के कारण, यानी ठंड, या तो ठंड लग गई थी बच्ची को उस कारण, ग्रैंड मा सजेस्टेड हर टू प्रिपेयर अ गिफ्ट फॉर फादर्स बर्थडे। उसकी ग्रैंड मा सजेस्ट करती हैं कि उसको एक गिफ्ट बनाना चाहिए अपने फादर के बर्थडे के लिए। शी प्रिपेयर्ड अ पिन कुशन विद ब्यूटीफुली येलो सिल्क क्लोथ। वो सिल्क का क्लोथ पीले रंग का यूज़ करके एक कुशन बनाती है, तकिया बनाती है। नीडेड स्क्रैप टू फिल इट, लेकिन उस तकिए में भरने के लिए उसको क्या चाहिए, एक स्क्रैप चाहिए, कुछ कूड़ा करकट चाहिए, कोई ऐसी चीज़। स्क्रैप होता है बेटा समथिंग वेस्ट, जो वेस्ट हो उसमें भर दे ताकि कोई यूज़ ना हो जिस चीज़ का। टुक सम पेपर्स फ्रॉम पेरेंट्स रूम, वो पेरेंट्स के रूम में से कुछ पेपर निकाल देती है। एंड टोर देम अप टू स्टफ इन द पिन कुशन, और उस कुशन में उसको भर देती है। इट वॉज फादर्स इंपॉर्टेंट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी। पोर्ट अथॉरिटी, पोर्ट होता है बेटा जहाँ पर, एयरपोर्ट या शिप पोर्ट, दो तरह के पोर्ट होते हैं। वहाँ पर कोई स्पीच देनी थी उसके फादर को, उसकी वो कॉपी थी जो उसने फाड़ दी। व्हेन फाउंड मिसिंग, जब नहीं मिली, द होल हाउस वॉज सर्च्ड, सारा घर छाना गया। द सर्वेंट्स एंड केजिया वर क्वेश्चन्ड, केजिया और नौकरों से सवाल पूछे गए। फाइनली इनोसेंटली केजिया एडमिटेड दैट शी हैड टॉर्न देम फॉर हर सरप्राइज गिफ्ट। वो बता देती है कि उसने फाड़ दिए थे अपने सरप्राइज गिफ्ट के लिए। फादर बीट हर विद अ रूलर, उसके पिताजी उसको रूलर से पीटते हैं, रूलर होता है स्केल। शी क्राइड बिटरली, वो रोने लगती है बुरी तरह। केजिया क्लंग टू ग्रैंड माँ एज शी कॉन्सोल्ड हर, वो अपनी ग्रैंड माँ को चिपक जाती है। क्लंग मतलब बिल्कुल पकड़ लेना, कस के। एज शी कॉन्सोल्ड, जब वो उसको चुप कराने की कोशिश करती है। नेक्स्ट डोर नेबर मिस्टर मैकडोनल्ड प्लेड विद हिज चिल्ड्रन इन द इवनिंग, जो पड़ोसी हैं मिस्टर मैकडोनल्ड, वो शाम को अपने बच्चों के साथ खेलते हैं। आफ्टर वॉचिंग हिम, उसको देखने के बाद, केजिया डिसाइडेड दैट देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर। केजिया को डिसाइड करती कि अलग अलग तरह के फादर होते हैं। वन डे मदर गॉट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, एक दिन उसकी माँ एडमिट हो गई हॉस्पिटल में। केजिया वॉज अलोन एट होम, केजिया अकेली थी घर पर। द कुक अलाइज टुक केयर ऑफ हर इन द डे, दिन में उसके अलाइज जो कुक था उसने उसकी मदद की, बट एट नाइट शी वॉज अलोन, रात को वो अकेली थी। फादर वॉज स्लीपिंग इन अनदर रूम, फादर दूसरे रूम में सो रहे थे। ओल्ड नाइट मेयर हॉन्टेड केजिया, एक पुराना बुरा सपना था जिसने वो केजिया को दिखाई दिया और केजिया डर गई। अ बुचर विद नाइफ, एक कसाई नाइफ के साथ, चाकू के साथ, इन हिज हैंड, उसके हाथ में, ये उसको पुराना बुरा सपना था। शी वोक अप क्राइंग, वो रोते हुए उठ जाती है। फादर कम टू हर रूम एंड हग्ड हर, पिताजी उसके रूम में आते हैं, उसको गले लगाते हैं। कैरिड हर टू हिज रूम, अपने रूम में ले जाते हैं उसको, टू कम्फर्ट हर, उसको चुप कराने के लिए। शी रियलाइज्ड ही वॉज नॉट सो बैड, कि उसके पापा इतने बुरे नहीं हैं। ही वॉज टू बिजी, वो काफ़ी बिजी हैं टू एक्सप्रेस हिज लव, और अपना प्यार नहीं जता पाते हैं। हैंड शी रियलाइज हर फादर वॉज अ बिग हार्ट, फिर उसको रियलाइज होता है उसके पिताजी का दिल काफ़ी बड़ा है। ये समरी है बेटा, ये आपको नोटबुक में लिखनी है, ए टू जेड जो जो वर्ड यहाँ लिखे गए हैं सेम टू सेम आपको लिखनी है। और अगर आप ये लर्न कर लेते हैं समरी, तो आई होप आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब इस समरी में ऑलरेडी दिए हुए हैं बिल्कुल क्लियरली। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग द पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन के, केजियस वॉज अफ्रेड ऑफ अ फादर बिकॉज ही वॉज स्ट्रिक्ट, पहली लाइन में लिखा है बिकॉज ऑफ अर स्ट्रिक्ट फादर, डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्किंग, तीनों चारों रीजन हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक ही रीज़न दिया गया है। हार्ड वर्किंग तो थे या नहीं थे, डिसिप्लिनेड थे या नहीं थे, ये चीज़ें नहीं पता, लेकिन हाँ इस पैराग्राफ से पता नहीं चल रहा। अगर आप लेसन को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उसके फादर ये कहते थे कि हर चीज़ डिसिप्लिन में होनी चाहिए, जितना ज़रूरत है उतना ही काम करो, जितना ज़रूरत है उतना ही खाना खाओ, ऐसी चीज़ें करते थे। तो ही वॉज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, हु ऑल वर देयर इन केजिया फैमिली, केजिया की फैमिली में कौन कौन था, मदर थी, फादर थी, ग्रैंड मदर थी, ऑल ऑफ देम, ठीक है बच्चे, ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट, टू प्लीज हर फादर, केजिया क्या करती है, केजिया
मेड अ पिन कुशन, केजिया क्या बनाती है, एक पिन कुशन बनाती है। व्हेन केजिया टॉर द इम्पोर्टेंट पेपर्स और फादर ही बिकेम, क्या होंगे उसके पिताजी, एंग्री, है ना। ऑब्वियसली आप उनके कागज़ फाड़ोगे आपके पिताजी के, तो वो एंग्री ही होंगे, गुस्सा होंगे। डिलाइटेड होता है बेटा खुश, सैड होता है उदास, डिसअपॉइंटेड होता है निराश, ठीक है। इनका भी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, आफ्टर वॉचिंग मिस्टर मैकडोनल्ड, केजिया डिसाइडेड दैट ऑल फादर्स आर डिफरेंट, उसने कहा सारे पिताजी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। बट लेटर ऑन केजिया रियलाइज दैट हर फादर इज़, उसके पिताजी क्या हैं, लविंग है, केयरिंग है, अफेक्शनेट है, ऑल ऑफ दीज। केयरिंग होता है केयर करने वाला, जो देखभाल करते हैं, लविंग मतलब प्यार करने वाला, तो आप ऑल ऑफ दीज लगा सकते हैं। वैसे केयरिंग है ये उसको पता चल गया था, क्योंकि उसको उठाते हैं और हग करते हैं और अपने कमरे में ले जाते हैं, तो आप ऑल ऑफ दीज लगाइएगा। आर पेरेंट्स और वेल विशर्स मे नॉट शो देयर अफेक्शन टू अस ओपनली, बट दे वॉन्ट टू सी अस, वो हमें क्या देखना चाहते हैं, हैप्पी, सेटल्ड एंड सक्सेसफुल, ठीक है। दे वॉन्ट टू सी अस हैप्पी, सेटल्ड एंड सक्सेसफुल, ये पूरा आंसर लिखेंगे आप ऑल ऑफ दीज वालों में। आप तीनों ऑप्शंस को लिखिया करिए आंसर में यहाँ पर कंप्लीट सेंटेंस करके, ताकि आप जब लर्न करें तो आपको पता चले। विच वर्ड इन द पैसेज इज द एंटोनिम ऑफ डे ड्रीम, डे ड्रीम का उल्टा क्या होता है, नाइटमेयर, क्या होता है बच्चे, नाइटमेयर, रात का सपना। हॉन्टेड होता है डरा हुआ, बिटरली होता है कड़वा या गंदा, और स्टैमर्ड होता है बेटा हकलाना, ठीक है बच्चे। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर है, अगर कोई डाउट हो तो पूछिएगा। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ, तो बाय।